फ्रेंड्स, आइए आज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को समझते हैं। इस टेंस की पहचान यह है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत वह सेंटेंस आते हैं जिनमें कोई कार्य भविष्य में शुरू होगा और कुछ समय तक जारी रहेगा। फ्रेंड्स, अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस पर नज़र डालते हैं जिनके अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी का प्रयोग होता है, पर वहाँ पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का जो रूल होता है विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ नहीं होता। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वह इस समय हमारी होटल में इंतज़ार कर रहा होगा। वह इस समय उसे फ़ोन कर रही होगी। वे इस समय यहाँ पर आ रहे होंगे। अब आप ये देख रहे होंगे कि इन सेंटेंसेस में कोई फ्यूचर के एक्शन की बात नहीं हो रही, बल्कि अभी जो एक्शन हो रहा है उसी की बात की जा रही है। अब ये सेंटेंस तीन तरह से बन सकते हैं, क्योंकि इनमें तीन तरह की पॉसिबिलिटी होती है। अब जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, अगर उसके होने की संभावना 100% है तो हम यूज़ करते हैं मस्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर उस एक्शन की संभावना 50% है तो हम यूज़ करते हैं मे बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर इस एक्शन की संभावना बहुत डाउटफुल है तो हम यूज़ करते हैं माइट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब उस एक्शन की संभावना बहुत ही कम है,